हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। ने उस बर्तन में पलटना जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा है, तो उसके लिए मैं एक टिन ले ली हूँ, केक टिन है, इसको मैं ऐसे ग्रीस कर देती हूँ। तो जैसे केक हम केक के लिए ग्रीस करते हैं तो बिल्कुल हल्का सा ग्रीस करते हैं, तो हमें हल्का सा नहीं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसमें घी ग्रीस होना चाहिए। और गुड़ गट्टा या कोई भी जैसे स्वीट हम बना रहे हैं जो फटाफट बन के तैयार हो जाता है ना, तो उसके लिए जो भी टिन है, प्लेट है, जो भी कुछ आपको तैयारी करना है तो पहले से ग्रीस कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी में एक टेबल स्पून व्हाइट वाला तिल है, मेरी तरफ यही वाला तिल मिलता है, इसको कढ़ाई में डाल के हल्का समय ऐसे रोस्ट कर लेती। और जैसे मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति में तिल गुड़ खाया ही जाता है, तो अगर आप लोग तिल का लड्डू बना बना के ऊब चुके हैं ना, इस तरीके से गुड़ का गट्टा बनाइए, और तिल गुड़ का ही बनता है तो तिल का लड्डू बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी यही समझ लीजिए, क्योंकि हमारे बचपन में तो भाई बहुत मिलता था, हम लोगों ने तो बहुत खाया है। तो मैंने सोचा इस बार मैं तिल गुड़ का लड्डू ना बना के गुड़ का गट्टा बनाऊँगी, उसमें ये तिल डालूँगी तो टेस्टी भी होगा और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, ना चिटकने लगा है। तो बस तिल हमारा हो गया, इसको मैं निकाल के साइड कर लेती हूँ। मैं एक टीस्पून घी डाल रही हूँ, इसी घी में मैं एक टीस्पून चीनी डाल रही हूँ। ये घी चीनी डालने का एक ही मकसद है कि जो गुड़गट्टा बनेगा ना वो हमारा क्रिस्पी बनेगा और ये जल्दी सॉफ्ट नहीं होगा। बस इसको हल्का सा चला लेती हूँ, गलाने की ज़रूरत नहीं है, चीनी हमारा गल जाए, बस हल्का सा इसे मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा मेल्ट हो गया ना, कढ़ाई में ऐसे पूरे कढ़ाई में घी को फैला देती हूँ। मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया है, ये गुड़ इसी में डाल के मुझे पिघलाना है, स्लो गैस पे ऐसे चलाती रहूँगी ना तो ये गुड़ हमारा पिघल जाएगा। देखिए, ये गुड़ हमारा पिघल गया है, अब स्लो गैस पे इसको हमें ऐसे चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हमें तो गुड़ गट्टा बनाना है ना, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से ये बन के तैयार होता है। देखिए, स्लो गैस पे मैं पका रही हूँ, लेकिन देखिए गुड़ इस तरीके से उबल रहा है ना, तो देखने में लग रहा होगा कि अब ये बन के तैयार हो गया, नहीं कहीं ऐसा जल ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, इसी में मैं अपना गुड़ जो है टेस्ट कर लेती हूँ। तो एक बार ऐसे चला लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से डाल दिया है, और देखिए ये गुड़ हमारा फैल तो नहीं रहा है, लेकिन इसको मैं चेक कर लेती हूँ, और जैसे पानी में डालने से ठंडा हो गया ना, तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ उठा के। ये गुड़ है ना, इसको इस तरीके से मैं खींच रही हूँ, तो ये देखिए खींच रहा है, ये देखिए खींच रहा है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से खींचना नहीं चाहिए, तो इसलिए अभी हमारा ये गुड़ तैयार नहीं हुआ है, तो इसको मैंने वापस इसी में डाल दिया है, उसको उतना क्यों वेस्ट करना। 2 से 3 मिनट ये पका लूंगी, उसके बाद मैं फिर आपको चेक करके दिखाती हूँ। और देखिए गुड़ कितना थोड़ा सा था, लेकिन हल्का हो गया, गुड़ हमारा बहुत हल्का हो गया है, उसकी वजह से देखिए आधी कढ़ाई से ऊपर हो गया है। देखिए गुड़ ये हल्का जो हो गया है ना, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसकी खुशबू से मुझे एक कहानी याद आ गई कि मैं अपने बचपन में सुनी थी, गन्ने को रस बना के उसके बाद गुड़ को इस तरीके से पकाया जाता था ना, सारा टाइम पकाते थे, उसके बाद शाम को जाके वो गुड़ बन पाता था। तो उसी टाइम में बच्चे लोग इसका जो लास्ट में निकलता है ना, उसको चिंगम टाइप का होता है, तो उसको लेने के लिए हमारे यहाँ बच्चे इकट्ठा होते थे। तो उसी टाइम में मुझे एक कहानी सुनाई गई थी कि बहुत दूर कहीं ऐसे गुड़ बन रहा था, एक कोई सन्यासी साधु जा रहे थे, उनको जो है इतनी तेज खुशबू आई कि वो अपने रास्ते से भटक गए और वो गुड़ की जगह जा पहुँचे जहाँ गुड़ बन रहा था। तो उन्होंने बोला कि इसी में से उठा के एक चमचा ऐसे आप मेरे जीभ पे रख दो। तो भाई लोग डर गए कि ऐसे कैसे हम रख दें, इतना गरम गरम गुड़ किसी के जीभ पे क्यों रख देंगे। तो सन्यासी बोलते नहीं नहीं आप, और खुद से रख लिया और बोला कि मैं अपनी जीभ को पनिशमेंट देना चाहता हूँ कि मैं सन्यासी होते हुए अपना रास्ता कैसे भटक गया, अपना रास्ता भटक के मैं गुड़ की जगह आ गया, मेरी जीभ इतनी तेज हो गई है, तो इसलिए जो है उन्होंने अपनी जीभ को पनिशमेंट दिया। तो देखिए गुड़ हमारा काफ़ी पक चुका है, एक बार मैं इसको फिर से चेक कर लेती हूँ। तो वही जो मैंने पानी लिया था ना, वही पानी वही लिया है, अभी इसी पानी में डाल रही हूँ। तो पानी को ऐसे ठंडा होने देते हैं और गुड़ इधर मैं चलाती रहूँगी, इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, इस तरीके से चलाती भी रहूँगी गुड़ को, या फिर आप चाहिए तो गैस को बंद भी कर सकते हो। तो अभी जो ये पानी मैंने गुड़ डाल दिया, अभी मैं इसको चेक करती हूँ। अभी इसमें से आवाज़ आ रही है खटखट की, इसका मतलब है कि गुड़ हमारा हो गया है। ऐसे मैं तोड़ रही हूँ ना, तो ये देखिए, और मैं आपको इसको फेंक के दिखाती हूँ। केक टिन तैयार कर लिया ना, इसी में मैं गिरा के दिखाती हूँ। देखिए जैसे कोई पत्थर हम फेंक रहे हो ना, उसी तरीके से ये आवाज़ आ रहा है।
तो मतलब कि हमारा बन के तैयार हो गया। गैस अभी बिल्कुल स्लो ही है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डाल के भी इसको फटाफट मैं चला देती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया ना। और बेकिंग सोडा तभी डालना है जब हमें इसको पलटना है, अपने उस बर्तन में पलटना है जिसमें मैंने ग्रीस करके रखा है। अभी गैस को बंद कर देती हूँ और जो मैंने ये गुड़ का बना लिया ना, इसको बस इसी में डाल देती हूँ। और देखिए ये किस तरीके से गिर रहा है, देख रहे हैं ना, बस इसी तरीके का ये चाहिए हमें। कढ़ाई का जो भी गुड़ था ना, वो सारा हमारा इसमें आ गया है। अभी इसको हमें, जैसे हम केक का टिन टैप करते हैं ना, हमें टैप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी में मैं हल्का सा ये तिल डाल दे रही हूँ, जो मैंने बताया था ना कि तिल गुड़ का भी काम करेगा। तो बस हल्का सा मैं तिल डाल दे रही हूँ और केक टिन को हमें टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैंने पिस्ता काट लिया है, तो पिस्ते के भी दाने ऐसे रख दे रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप टिन में नीचे भी डाल सकते थे पिस्ते को, लेकिन मैं नीचे नहीं डाली हूँ। बस इसी तरीके से डाल दे रही हूँ और इसको हमें टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे किचन स्लैब पे रहने देती हूँ इसको, 1.5 से 2 घंटा ऐसे मैं ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए, जो मैंने गुड़ की पापड़ी बनाई है, गुड़ का गट्टा बोल सकते हैं, पापड़ी बोल सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया। देख रहे हैं ना, हाथ में ऐसे टच कर रही हूँ तो बिल्कुल ठंडा है। एक किचन का नाइफ ले लिया है, वैसे ये छूटने वाला है नहीं इतने ईजिली, फिर भी नाइफ से मैं कोशिश कर सकती हूँ। इस तरीके से साइड साइड छुड़ा ले, नहीं ये ऐसे नहीं छूटेगा। इसको क्या करना होगा, देखने से लग रहा होगा ना बहुत हार्ड है, कैसे छूटेगा। तो गैस जला देती हूँ, गैस जला के हल्का सा ऐसे गैस में मैं ऐसे घुमा दूंगी, तो उसके वजह से नीचे जो घी लगा है ना, वो घी पिघलने लगेगा, ये फटाफट निकल जाएगा। तो गैस जला के मैंने इसको हल्का सा ऐसे दिखा दिया, गर्म भी नहीं हुआ इसका टिन, तो बस उतने में ही ये छूट जाना चाहिए। ये देखिए, ये साइड साइड से ऐसे छुड़ा रही हूँ ना, तो ये छूट रहा है। अभी एक प्लेट ले लेती हूँ, इसी पे मैं ऐसे घुमा के डीमोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए, और जो हमारा केक टिन है ना, देखिए इसमें जो घी लगा था, ये घी इसी में लगा हुआ है, लेकिन ये घी गर्म पाने की वजह से ये हमारा छूट गया है। इसको मैं फ्रंट साइड आपको दिखाती हूँ, और ये क्रिस्पी तो इतना बना हुआ है कि जो साइड साइड से पतला सा लेयर हो गया है ना, क्योंकि जब मैंने इसको टिन में डाला था तो ये काफ़ी ऊपर तक हुआ था, लेकिन वो जब ठंडा होने लगता है तो नीचे नीचे बैठ जाता है ना। इसको मैं यहाँ से उठा के दिखाती हूँ, ऐसे तोड़ रही हूँ तो जैसे लकड़ी टूटे ना, उसी तरीके का ये टूट रहा है। तो ये जो गुड़ का गट्टा होता है, ये इतनी ईजिली तरीके से नहीं टूटता, खाने में बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन जब इसको तोड़ने का है ना, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तो वही किचन का नाइफ ले लिया है मैंने। ऐसे करके देखिए कट कर रही हूँ, तो देखिए लकड़ी में जैसे आवाज़ आती है, उसी तरीके का आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं। और एक ये ले लिया जिससे हम अदरक कूटते हैं, तो इस तरीके से ऐसे पूरा काट लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट के तैयार हो गया है। और देख रहे हैं यहाँ जो ये जाली पड़ी हुई है ना, ये वही है जो बेकिंग पाउडर डालने के बाद एकदम हमारा गुड़ एकदम उफन के ऊपर आ गया था ना, वही है ये। तो ये तो मैंने 2 पीस में काट लिया, इसी को मैं ऐसे करके छोटे छोटे पीसेज में काट लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, हाफ को मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेज में काट दिए हैं। मैं आपको इसको ऐसे हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि वो बड़े पीसेस में होता है तो वो तोड़ना मुश्किल होता है, मगर ये देखेंगे ऐसे, देखिए ये देखिए, ऐसे मुंह में डालते ही गल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। और तिल गुड़ है तो हेल्दी भी है, तो इस तरीके से आप लोग बनाइए। अगर आपको मेरा गुड़ गट्टा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।